हेलो फ्रेंड, मैं रेखा शर्मा चैनल लाइफ विद रेखा शर्मा में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो फ्रेंड्स? तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर ले लिया मैंने बड़ी सी अम्बी, कच्ची अम्बी लेनी है आपने। इसको वॉश कर लिया और इसके छिलके को उतार दिया और इसको आपने कट कर लेना है। बड़ी टेस्टी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स। इसको आप चावलों के साथ, फुलके के साथ, अगर आपके घर सब्जी ना बनी हो तब भी आप इस रेसिपी से अपनी रोटी खा सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कट कर लिए छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद दूसरी साइड यहाँ ले ली है कढ़ाई, उसमें ऐड कर दिया मस्टर्ड ऑयल और ऐड कर दिया है जीरा, मेथरे, लाल मिर्च और ऐड कर दिया यहाँ पर लहसुन को। इन सबको अच्छी तरह भुनने के बाद इसमें ऐड कर दिया लंबा लंबा प्याज। आपने यहाँ पे बड़ा बड़ा प्याज ही काटना है। उसके बाद आपने जो भी अम्बी काटी थी उसको ऐड कर देना। देखिए यहाँ मैंने गुटली को भी ऐड कर दिया है, इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो इन सबको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें ऐड कर देने आपने मसाले। मसालों में वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इन सबको ऐड करने के बाद आपने वाटर को ऐड कर देना है और सिम फ्लेम में इसको ढक्कन दे के पका लेना है। पकाने के बाद जब थोड़ा पक जाए तो इसमें आपने शुगर को ऐड कर देना है। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको फिर पकाना है थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए। और उसके बाद देखिए ये चटपटी चटनी हो गई तैयार। इतनी चटपटी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। एक बार बनाइए, बार बार खाइए, इतनी अच्छी होती है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए नए हैं और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली वीडियो के आने की। इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय एंड टेक केयर।